ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜੀ ਰਾਤ ਕੋ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਜ वीरेंद्र बहुत मेहनत कर रोड़ी तो भी आई सरपंच हेलो सरपंच साहब मैं रोड़ी वाले हो मिल भाई तू ही सब वाले ना मिल के आए हां मैं सारनी वाले और तो आगे 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 सेवा चल रही है जी अरदास बेनती हो रही है जी सारे चलो ये 5-6 दिन हमारे लिए बहुत बड़े तकलीफ दे थे पर हमें पता नहीं लगा कि लोगों ने बहुत हिम्मत करी। पूरा इलाका चाहे वो कहीं का था चाहे वो एलाहाबाद में था डबवाड़ी में था कालावाड़ी में था या रानिया सरसा में पूरे गांव के लोग ट्रालियाँ जेसीबी मशीन लेके तुरंत आ गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमें 50 लाख रुपये अपने फंड से दे दिया। 10 लाख रुपया मैंने मेरे डिस्क्रिशनरी फंड से दिया। पैसा बड़ा नहीं होता लोगों की जो मेहनत थी ना दिन रात लोग औरतें भी आदमी भी सब ने करके किसी ने हिम्मत नहीं हारी कोई मकान छोड़ के भागने को नहीं हुआ। लोगों ने रात 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 यहाँ इस बांध पे हम खड़े हैं इस जगह 12 जगह लीकेज हो गई थी और रात को जेसीबी मशीनों से ट्रैक्टर ट्रालियाँ लोगों ने यहाँ ज़मीनें खाली नहीं थी बरसात हो गई उसके बाद भी किसी की 2 एकड़ ज़मीन थी वो उसने अपने आप ही दान दी बोलो ये ले लो हम देंगे उसे पैसा दिलवाएंगे बेचारे को। उसने 2 एकड़ ज़मीन दे के मिट्टी दी रात को हमने सारा कंट्रोल कर लिया। रात तो ये लग रहा था कि पता नहीं सुबह निकलेगी कि नहीं निकलेगी पर अब हौसला हो गया सबको कि रात बड़ी क़यामत की रात थी हम बच गए जी। तो फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल कंट्रोल में है अब कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि पीछे पानी आपका छिका गुला भी कम हुआ है गुला छिका में भी कम हुआ है चांदपुर में भी कम हुआ है। हमें लगता है कि हमें रिलीफ मिलेगा क्योंकि पानी जब नहर में पीछे से बंद करते हैं तो लास्ट वाली टेल पे तो आखिर तक चलता है वहाँ का पानी कम हुआ है हमारे यहाँ सर रात को आएगा थोड़ा 3-4 इंच पानी कम हुआ है पर लगता है कि कल के बाद हम थोड़े से एक कम्फर्ट लेवल पर आ जाएंगे। तो सर आप लगातार सुबह शाम दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्या लगता है? मैं नहीं लोग 3-3 बजे तक मैं रात को 3 बजे पहुंचता हूं 3 बजे भी लोग आदमी औरतें बट्ठल हाथ में कस्सी और लेके थैले भर भर के मिट्टी के पहुंच रहे हैं। लोगों ने बहुत हिम्मत करी सरसा के लोगों को इस बात के लिए हम सलाम करते हैं कि उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। लोग दिन रात करके ये लड़े कि जैसे उनकी अपनी लड़ाई हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं तो चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जितने हमारे ऑफिसर ने दिन रात मेहनत की है इन्हें सम्मानित करा जाए।